गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, माई सेल्फ रुचि गुप्ता फ्रॉम हैप्पी कैमरी स्कूल. इन दिस रेमेडियल क्लास टुडे इज़ योर मैथमेटिक्स एक्टिविटी इज़ ऑड एंड इवन नंबर एक्टिविटी. ठीक है, 1 to 100 के बीच में कोई भी नंबर ऑड नंबर है या इवन नंबर है, ये आपको कैसे पता चलेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल ये दो सर्कल बनाए हैं हमने, एक सर्कल है, दोनों सर्कल अलग अलग शीट पे लेना. एक मैंने वाइट कलर की शीट ली है, एक मैंने येलो कलर की शीट ली है. ठीक है, वाइट कलर येलो कलर की शीट बड़ी है. 5 सेंटीमीटर कंपास खोलेंगे, स्केल से मेज़र करेंगे, 5 सेंटीमीटर की कंपास खोलेंगे, एक सर्कल लगाएंगे, उस सर्कल को कट करेंगे. वाइट कलर का सर्कल छोटा है तो स्केल से मेज़र करके 3 सेंटीमीटर की कंपास खोलेंगे, एक सर्कल लगाएंगे, उसको कट करेंगे. एक सर्कल बड़ा लेना है, एक सर्कल छोटा लेना है. ठीक है, दोनों के दोनों सर्कल को आपने डिवाइड करना है 10 इक्वल पार्ट्स में. 10 इक्वल पार्ट्स में कैसे डिवाइड करेंगे? बिल्कुल सीधी एक ऐसे लाइन लगाओ स्केल पेंसिल से, एक लाइन ऐसे लगाओ, पहले एक लाइन ऐसे लगाना, फिर ऊपर आपको 4 लाइन्स लगानी है, इक्वल पार्ट्स लेना, 1 2 3 4, 4 लाइन्स ऊपर लगानी है. तो ऐसे आपका 10 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. ऐसे छोटे सर्कल को भी एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगाओ, ऊपर आपको 4 लाइन्स लगानी है, 1 2 3 4. स्केल पेंसिल यूज़ करके दोनों के पार्ट्स इक्वल लेना, इसको भी 10 पार्ट्स में डिवाइड करना, इसको भी 10 पार्ट्स में डिवाइड करना, दोनों के इक्वल पार्ट्स. ठीक है, इसमें भी हमने काउंटिंग लिखनी है 0 से लेके 9 तक. इसमें भी हमने काउंटिंग लिखी है 0 से लेके 9 तक. ठीक है, 0 से लेके 9 तक आपने नंबर लिखने हैं. अब आपको देखना है कौन से इवन नंबर हैं, कौन से ओड नंबर हैं. अब हमारे ओड नंबर कौन से होते हैं? ओड नंबर हैं आपके 1, 3, 5, 7, 9. ये हमारे ओड नंबर हैं. जो ओड नंबर है ना, मैंने उन पर सर्कल लगा दिया. ठीक है, जो बाकी बचे वो आपके इवन नंबर हैं. ओड नंबर पे सर्कल लगा दिया ताकि आपको पहचान हो जाए जिन पे सर्कल है वो आपके ओड नंबर हैं. ठीक है, इसमें भी 0 to 9 नंबर लिखने हैं, लेकिन इसमें आपको सर्कल नहीं लगाना, सिर्फ 0 to 9 नंबर लिखे हैं. इसमें ओड नंबर के ऊपर सर्कल बना दिया. ठीक है, अब ये छोटे सर्कल को इस बड़े सर्कल के ऊपर रखना है. अब इसके बीच में ये मैस्टिक डालनी है. मैस्टिक हम इसलिए डालते हैं ताकि हम इसको रोटेट कर सकें, हमने इसको घुमाना है. ठीक है, मैस्टिक डाल के आप ऐसे रोटेट कर सकते हैं. उसके बाद हम देखेंगे कौन सा आपका इवन नंबर है और कौन सा आपका ओड नंबर है. ठीक है, मैस्टिक डाल के आप इसको रोटेट करेंगे, घुमाएंगे. देखो दोनों को हम घुमाते हैं. जैसे आपका इस साइड नंबर आया, हमने यहाँ पे एक एरो का साइन डाला. इस एरो के साइन पे दोनों पे कौन से नंबर बनते हैं? एरो के साइन पे आपका बनना है 1 और 3. अगर आपका सर्कल वाला नंबर आता है तो 13 हमारा क्या है? 13 हमारा ओड नंबर है. फिर हम इसको घुमाते हैं, रोटेट करो इसको. दोनों सर्कल को रोटेट किया, रोटेट करने पर एरो के सामने कौन से नंबर आए आपके? 1, 2, 12. अब इस पर सर्कल तो है नहीं, तो 1, 2, 12 कौन से नंबर हो गए आपके? ये हैं हमारे इवन नंबर. दोनों सर्कल को आप रोटेट करते जाओ. रोटेट करके फिर हमको नंबर देखना है कि कौन कौन से नंबर आते हैं हमारे. अब देखो ये एरो के सामने कौन सा नंबर बना? 9191. अब ये सर्कल वाला नंबर है तो इट मीन्स 91 क्या है? 91 इज़ अ ओड नंबर. फिर इसको रोटेट करो, छोटे सर्कल को भी रोटेट करो और बड़े सर्कल को भी रोटेट करते हैं हम. अब एरो के सामने कौन सा नंबर आ रहा है? 7070. अब ये सर्कल वाला नंबर तो है नहीं, ये तो इवन नंबर है, तो 70 इज़ अ ओड नंबर. ऐसे करके आपको ये एक्टिविटी करनी है. दोनों सर्कल को रोटेट करते जाओ. रोटेट करने के बाद इस एरो के सामने आपके कौन से नंबर पड़ते हैं? 5858. अब इस पे सर्कल नहीं है, इट मीन्स 58 इज़ अ इवन नंबर. दोनों सर्कल को हम रोटेट करेंगे. रोटेट करके एरो के सामने हमारा कौन सा नंबर पड़ रहा है? 4747. अब 7 पे सर्कल है ना, तो 47 इज़ अ ओड नंबर. अगर येलो वाले व्हील पे आपके ये सर्कल वाले नंबर आते हैं तो इट मीन्स आपका ओड नंबर आता है. अगर इसमें आपके दूसरे नंबर आ रहे हैं जिन पे सर्कल नहीं है तो वो आपके इवन नंबर हैं.
ठीक है, 1 to 100 के बीच में इवन और ओड नंबर को आज आपने अच्छे से समझना है। ठीक है, दोनों सर्कल को रोटेट करते रहो। रोटेट करने के बाद एरो के सामने अब देखो क्या नंबर बना, ये एरो है, एरो के सामने क्या नंबर बना आपका, 4, 6, 46। अब 6 पे सर्कल नहीं है ना, इट मीन्स ये इवन नंबर है, 46 इज अ इवन नंबर। फिर हमने इसको रोटेट किया, दोनों सर्कल को रोटेट किया हमने। अब रोटेट करके एरो के सामने, एरो के सामने कौन सा नंबर बन रहा है आपका, देखो 1, 3, 13। अब इस पे सर्कल है ना, तो इट मीन्स 1, 3, 13 इज अ ओड नंबर। दो सर्कल बनाएंगे, एक छोटा सर्कल है एक बड़ा सर्कल है, दोनों सर्कल को आपने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, 0 to 9 नंबर लिखने हैं। बड़े सर्कल में जो ओड नंबर है उन पे सर्कल लगा लो, ओड नंबर्स पे। फिर दोनों व्हील को, या इसमें एक मैचस्टिक डालिए, दोनों को हम रोटेट करेंगे। इस एरो के सामने जो सा नंबर बन रहा है, अगर सर्कल वाले नंबर बन रहे हैं तो वो ओड नंबर है, अगर सर्कल वाले नंबर नहीं बन रहे तो वो हमारे इवन नंबर है। जैसे ऐसे रोटेट किया तो नंबर बन रहा है 2, 4, 24, तो 24 हमारा इवन नंबर है। ठीक है, ये एक्टिविटी ऐसे करेंगे, मैथ्स की कॉपी में करके इसको ऐसे करके अपनी फ़ोटो क्लिक करके मुझे सेंड करेंगे। ओके, थैंक यू।